नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्टर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो बिटुमेन रोड होता है उसके बारे में थोड़ी सी बात करूँगा, क्योंकि बेसिक जानकारी है ये, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों का पता नहीं होता है, क्योंकि नए हैं तो आइडिया नहीं होता है। क्योंकि सर्वप्रथम पहले मुझे भी आइडिया नहीं था, मैंने भी धीरे धीरे ये चीज़ें जितना मैं अंदर घुसता गया वो सारी चीज़ें मैं अंदर सीखता गया। आप भी सीखिए, धीरे धीरे सीखिए, आराम से सीखिए। क्योंकि एक एक चीज़, मेरा मानना है अगर नया कोई आदमी कोई भी बिजनेस कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, तो वो एक दिन में अगर एक जानकारी ले तो मैं ये कह सकता हूँ कि 360 दिन एक साल में होते हैं। और एक साल में अगर 360 अगर कोई बात, कोई काम सीखता है, छोटी छोटी जानकारियां लेता है, तो एक साल में 360 जानकारी होती हैं। और दोस्तों, ये मेरा मानना है, अगर आप रेगुलर एक चीज़ रोज़ सीखते हैं तो 360, तो मैं कहता हूँ पूरे सिविल वर्क के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत महान बना देगी। क्योंकि रोज़ अगर आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा। तो आप इन चीज़ों को रोज़ एक एक चीज़ सीखें, जिससे आपका अपना आप ही दिमाग खुलता है। और एक चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों उसके अंदर बीच में और भी चीज़ें आती हैं, तो वो भी चीज़ें आपको साथ साथ में मिक्स करके सीखनी चाहिए। तो दोस्तों, आते हैं मेन पॉइंट पे। दोस्तों, बिटुमिन रोड जो होता है वो किसको कहते हैं? दोस्तों, बिटुमिन रोड जो, जिसको देखो अलग अलग जगह में अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, क्योंकि हर राज्य का ये वीडियो आप जान सकते हो कि पूरे इंडिया के अंदर देखा जाता है, विदेशों तक देखते हैं लोग। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो विदेश से भी फ़ोन करते हैं, जो वहाँ पे सिविल के काम करते हैं, जो अपने इंडिया के हैं। बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है, वहाँ से भी आता है मेरे पास। वो कहते हैं सर, हमें वापस आ रहे हैं और हमें भी ये काम करना है, क्योंकि वहाँ पे वो यही काम करते हैं सिविल का। तो आप लोग इस चीज़ को देखें, तो आपके क्षेत्र में ये रोड को क्या कहते हैं, ये आप खुद मुझे बता सकते हैं और कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या कहते हैं। बाकी मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। बिटुमेंस उसको बोलते हैं दोस्तों, जो तारकोल होता है, जो काला वाला रोड होता है जिसमें गिट्टी होती है और तारकोल मिक्स होता है, थोड़ी सी बजरी होती है, बजरी जिसको बोलते हैं, या डस्ट बोल सकते हैं, या कहीं पे बदरपुर बोलते हैं, ये अलग अलग चीज़ें हैं, उसको हम तारकोल। जो हाईवे आपने देखे होंगे रोड, जो बड़े हाईवे होते हैं, काले रोड होते हैं, जिसको कहीं पे डामर रोड भी बोलते हैं, कहीं पे तारकोल बोलते हैं, कहीं पे बिटुमिन्स बोलते हैं, बिटुमिन रोड बोलते हैं। बिटुमिन्स इंग्लिश शब्द है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक बिटुमिन रोड जो होता है वो होता है, इसकी अलग अलग लेयर्स होती हैं। ये मैंने एक सीसी रोड के बारे में भी बताया था आपको, उसी तरीके से इसकी भी एक लेयर होती है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे नीचे से आता है तो पहले मिट्टी फीलिंग होती है, डस्ट होता है, मतलब रेत जो होती है, ऐसी रेत फीलिंग होती है। आपने देखा होगा रोड बनते हुए, बहुत सारे हाईवेज बन रहे हैं आजकल, उन पे देखा होगा आपने, जहाँ भी देखा होगा अलग अलग लेयर्स में होता है। तो ये इसको हम बिटुमेन रोड्स कहते हैं। आप अगर ऐसी कंडीशन में है तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ें आप अगर कहीं देखना चाहें तो आप जहाँ भी कहीं पे पर्सनल ना जाए तो कम से कम ये काम जरूर करें कि कहीं पे हाईवे बन रहा है या कहीं पे रोड बन रहा है और आप कहीं निकल रहे हैं साइड से, आप 10 मिनट आधे घंटे के लिए वहां रुक जाइए। वहां पे आप देखिएगा नीचे से ऊपर तक लेयर्स होती हैं, क्योंकि रोडों का काम ऐसा होता है कि एक साथ नहीं होता, आगे कुछ होता रहता है, उसके बाद कुछ होता है, उसके बाद कुछ होता है, ऐसे होते रहता है। हाईवे जो बन रहे हैं, आपने देखा होगा कहीं पे नीचे मिट्टी खुदाई हो रही है, कहीं पे मिट्टी डलाई हो रही है, कहीं पे पिलर भरे जा रहे हैं, कहीं पे साइड में जो खड़े होते हैं ब्लॉक वो खड़े किए जाते हैं, कहीं पे ब्रिज, जो ब्रिज होते हैं वो बना, पुल बनाए जाते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। रोड भी आपको उसी तरीके से होते हैं, बिटुमिन्स रोड इसी को बोलते हैं। आप बिटुमिन्स को देख के ये ना घबराएं कि बिटुमिन का रोड क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।